स्टूडेंट्स, आज हम वापस आपकी इंग्लिश स्पोकन क्लास लेकर के आए। पहले जो हमने लेसन किए थे उसमें हमने सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स किए। कल हमने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे सब्जेक्ट्स के साथ। आज हम सब्जेक्ट्स करेंगे वापस। इन सब्जेक्ट्स में हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ साथ हम इसके अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। सेकंड पर्सन में कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। और थर्ड पर्सन में आपके कौन से सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है। आप जो भी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ आप अपने नोट डाउन कर लेना या वीडियो को सेव कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि कौन से सिंगुलर है कौन से प्लूरल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम अपने लेसन का शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इन एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है एंड प्लूरल क्या है। अब इस वक्त पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है मेरे दो फ्रेंड्स हैं। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मेरे दो फ्रेंड्स होना मतलब मेरे मतलब होता है माय, लेकिन यहाँ पर हम मेरे में लिखेंगे मेरे, मेरे मतलब मेरे, मेरे मतलब मेरे बोला इसका मतलब आई, मैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे के लिए हम लिखेंगे मैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है आई, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए फर्स्ट पर्सन। ओके नाउ सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है तुम्हारे दो फ्रेंड्स हैं। तुम्हारे मतलब योर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे का मतलब होता है यू, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरी बात ना करके हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम्हारे जब तुम बैठे हो यहाँ पे, तुम्हारे एक बच्चा खड़ा है तो उसको हम कह रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। तो उसको हमने क्या लिखा है तुम, और तुम माने यू, और यू एक आपका सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो गया। लेकिन तुम इतने सारे बच्चे बैठे हुए क्या वॉच कर रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं या रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं, तब हम उनको कहते हैं तुम्हारे बैग से पेंसिल निकालो या तुम्हारे दो फ्रेंड्स है, ठीक है। तब हम बहुत सारे तुम्हारों के बारे में बात करते हैं, तब भी क्या आता है यू आता है एंड यू आपका प्लूरल भी है। हम इस यू को सिंगुलर में भी लेते हैं, इस यू को हम प्लूरल में भी लेते हैं। आ गया, अब हम बात कर रहे हैं हमारे। पहले मैंने बात की थी मेरे, फिर बात की थी तुम्हारे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ। अगर मेरे साथ दो और यहाँ पे आ गए हैं या और टीचर्स आकर के यहाँ पे खड़े हो गए हैं और वो भी आपको पूछ रही हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे पढ़ा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, मैं अकेला ना होकर के मेरे साथ यहाँ पे दो तीन जने हो गए, तब हम क्या कहते हैं हमारे, ठीक है। और इस हमारे को वैसे तो हमारे का मतलब होता है आर, लेकिन यहाँ पर हमारे का मतलब होगा वी, ठीक है। हम अपनी तरफ इंगित करते हैं, अपनी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी क्या हो गया आपका सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाएगा और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यहाँ पे। आगे समझिए, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसके दो फ्रेंड्स हैं। उसके मतलब दो है ना, ये उसका जो है लड़की भी हो सकती है, उसका लड़का भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं या तो ही या शी, ठीक है। उसके दो फ्रेंड्स हैं मतलब उसके ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं उसके, ठीक है। वो जो पहले हमने आई कर लिया हमारा, फिर यू कर लिया तुम्हारा, अब हम अलग पर्सन की बात करें, उसकी दो फ्रेंड्स हैं मतलब वो क्या हो गया बिल्कुल ही अलग हो गया है, तो वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। ओके
तो हमारा ही और शी क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन। नाउ अब हम कहते हैं उनके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनका का मतलब होता है देयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देयर की जगह होगा दे, वे, हम इसकी जगह लेंगे वे, उसके की जगह हम लेंगे वो, ठीक है। अब वे मतलब होता है दे, आ गया। पहले मैंने कहा था उसके दो फ्रेंड्स है, मतलब एक जना है चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वहां पे दो जने खड़े हैं और उन दो जनों के लिए कह रहे हैं उनके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तब हमने क्या यूज किया, दो के लिए यूज किया, एक से ज्यादा के लिए यूज किया, तो दे जो होता है आपका प्लूरल हो जाता है और ये दे यूज होता है इन प्लेस ऑफ वी एंड शी। अब हम कहते हैं राम एक लड़का है, सीता गीता एक लड़की है, ठीक है। अब राम क्या है, एक संज्ञा है, एक नाम है सीता, सीता भी एक नाम है। हमने ये सीता राम ही, जैसे हम बोल रहे हैं राम इज अ बॉय, अब इसी राम की जगह हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल, ही स्टडीज इन फोर्थ क्लास, तो उसी राम की जगह हमने क्या काम में किया है ही, और इसी तरह से गीता की जगह हम क्या काम में लेते हैं शी, तो गीता राम ये दोनों कौन से हो गए थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो गए। अब हम इन्हीं दो को अलग अलग करने की जगह कह सकते हैं राम एंड सीता या राम एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड सीता जो है अच्छे दोस्त हैं, या राम और सीता फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। हमने इन दोनों को साथ में कर दिया है, जब साथ में कर दिया तो एक से ज्यादा हो गए हैं, जब एक से ज्यादा हो गए हैं तो इसको हम प्लूरल में लेते हैं। जब हम क्लास में ज्यादा बच्चों की बात करते हैं तो वो प्लूरल में आ जाते हैं, ज्यादा नाम लेते हैं तो वो प्लूरल में आ जाते हैं। तो राम एंड सीता अगर हम साथ में बोलेंगे, राम एंड गीता साथ में बोलेंगे तो प्लूरल, समझ में आ गया आपको। नाउ मैं कहती हूँ यह एक पेन है, क्या है यह, मेरे हाथ में है, मेरे पास में है, मैं कह रही हूँ यह एक पेन है, बेजान है ये, इसमें जान नहीं है, इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दिस, और दिस मेरे हाथ में है ये, तब हम क्या कह रहे हैं दिस इज अ पेन, तो दिस आपका क्या हो गया सिंगुलर हो गया, ठीक है। अब ये पेन टेबल पे उधर बाहर पड़ा हुआ है, तब मैं कहती हूँ वह पेन है, वह दूर हो गया हमसे, मेरे से दूर हो गया, तो इसको हम कहते हैं दैट इज अ पेन, और दैट किसके लिए यूज हुआ है सिंगुलर के लिए यूज। अब ये दो पेन है, हमने क्या लिखा है, ये दो पेन हैं, ये दो पेन हैं, ये दोनों पेन किसके पास है, मेरे पास में है, तो इसके लिए हम दिस की जगह हम क्या लगाएंगे दीज, पास में मेरे पास एक से ज्यादा हो गए तो इसके लिए हमने क्या लगाया है दीज लगाया, सो दीज आर पेन मेरे पास में है। और अगर यही दो पेन हम कहें वे दो पेन है, हमसे दूर पड़े हैं और कहेंगे वे दो पेन है, ठीक है, तो ये हमसे दूर हो गए हैं तो इसके लिए हम लगाएंगे दोस, तो दिस हमने की जगह हमने प्लूरल यूज किया है दीज, और दोस दैट की जगह हमने प्लूरल यूज किया है दो, तो आपको इसमें सिंगुलर और प्लूरल समझ में आएगा, थर्ड पर्सन है ये और सिंगुलर और प्लूरल, आपको इसका भी सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए दीज एंड दोस का, दिस सिंगुलर दीज प्लूरल दैट सिंगुलर दोज प्लूरल, और ये दोनों के दोनों थर्ड पर्सन के अंदर काम में आते हैं।